अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो आपको भी पता होगा अच्छी तरह से कि सऊदी अरब में आपको छोटी से छोटी गलती के लिए भी आपको माफ़ नहीं किया जाता है और उसमें आपको जुर्माना लगना तय हो जाता है। और ये सारे के सारे जुर्माना आपके इकामा पर आएंगे, और आपके इकामे पर आया जुर्माना आया है कि नहीं आया है उसको आप कैसे चेक करेंगे, इसी के बारे में आज आपको बताऊंगा। इसको चेक करने के लिए आपको अफसर अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, और आपके अगर आपके पास अफसर अकाउंट नहीं है तो किसी के भी अफसर अकाउंट से आप अपने जुर्माने को चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर कोई कोई फाइन है आपके इकामे पर कि नहीं है। क्योंकि आपको बगैर फाइन, अगर आपके इकामा पर फाइन है तो बगैर फाइन भरे आप आपका इकामा रिन्यूअल भी नहीं होगा, और ना ही आप छुट्टी जा सकते हैं, और ना ही आपका खुरूज निहाई या फाइनल एग्जिट लग सकता है। तो आपको सब कुछ, अगर आप फाइनल एग्जिट जा रहे हैं या फिर खुरूज निहाई जा रहे हैं, तो जाने से पहले आप अपने कामे को अच्छे से चेक कर लें कि आपके ऊपर कोई फाइन है कि नहीं है। चलिए अभी आपको बताते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके कामे पे फाइन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। इसको चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर जाना होगा। मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन से आपको सारा डिटेल बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बस मोबाइल ही रहता है, कंप्यूटर लैपटॉप नहीं रहता। इसीलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर पर नहीं, आपके अपने मोबाइल स्क्रीन से आपको सारा कुछ डिटेल बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करके फेसबुक पर हमारे वीडियो को जरूर शेयर कर दें। फिर चलिए आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर लेकर चलते हैं, और वहीं पर आपको सारा स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। और आपको स्क्रीन पर आने के बाद मोबाइल के गूगल क्रोम में जाना पड़ेगा। आपको गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको गूगल में सर्च करना है अपसेर, ठीक है। मैंने पहले से सर्च करके रखा हुआ है। अपसेर में जाएंगे और अपना लॉगिन कर लेंगे। अपसेर में लिखेंगे इधर। अपसेर में जाने के बाद अपने इकामा और पासवर्ड से इसको लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे ऊपर ऊपर अपना यूजर नेम, अपना इकामा और पासवर्ड, आपको सब कुछ क्लियर मालूम है। उसके बाद इधर से लॉगिन कर लेंगे। ये इसके लिए आप किसी का भी अफसर अकाउंट यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ही का अफसर अकाउंट। और आपके पास अफसर अकाउंट नहीं है तो किसी अपने यार दोस्त दोस्त से भी, अपना उसके भी अफसर अकाउंट से आप लॉगिन करके और चेक कर सकते हैं कि आपके इकामा पर कितना फाइन है कितना नहीं, ठीक है ना। चलिए फिर इसको हम लॉगिन करके फिर आपको बता। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी यहाँ पर डालने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन कर देना है। जैसे लॉगिन करेंगे आप अपने अफसर के अकाउंट में आ जाएंगे, और अफसर के अकाउंट में आने के बाद आपको नीचे जाना है, ठीक है। नीचे जाना है, सीधा सीधे नीचे जाएंगे आप। बिल्कुल आखिर में नीचे आने के बाद, यहाँ आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो न्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे आएंगे। फिर इसको साइड में स्क्रॉल करेंगे इसे, ठीक है। साइड में स्क्रॉल करने के बाद देखिए इसमें डिटेलेड डिटेल जो क्वेरी ट्रैफिक वायलेशन है, इसमें आपको इसमें ही आपको चेक करना है। अगर आपका इसमें जो पब्लिक क्वेरी अवेलेबल फंड है इसमें भी चेक कर सकते हैं। इसमें फंड वो आता है जो जिस पासपोर्ट पे कोई फंड आ गया हो, या कोई आपने पब्लिक प्लेस में कोई गलती कर दिया हो, इसके वजह से आपके जो फंड आएगा वो इसमें आएगा आपका चालान। लेकिन अगर ट्रैफिक की वजह से आएगा तो आपको इसमें आएगा। ट्रैफिक की वजह से जैसे आपने पैदल पैदल चल रहे हैं कि पैदल चलने पर भी अभी आपको फाइन लग जा रहा है, वो चेक करना होगा। तो आपको यहाँ पर यानी ट्रैफिक के रिलेटेड जितने भी आपका होगा फाइन, ये आपको यहाँ पे चेक करना है। तो हमें यहीं पे सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद अगर आपके कामे पर, अगर आपके कामे पर कोई है, अगर जिसका अफसर अकाउंट उनके कामे पर जो भी फाइन होगा यहाँ पे शो करेगा, जबकि मेरे कामे पर बिल्कुल जीरो है। तो मैं किसी और का कामा चेक करने वाला हूँ। तो किसी और का कामा चेक करने के लिए आपको इधर जनरल जो क्वेरी है ना, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये जो जनरल क्वेरी है ये, इस पर आपको क्लिक करेंगे। जनरल क्वेरी पे इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जिसका भी चेक करना है आपका उसका इकामा नंबर डालेंगे। यहाँ पे उसका इकामा नंबर डाल के आपको फिर सिंपली इसको यहाँ व्यू कर देंगे। तो यहाँ इकामा नंबर डालने के बाद इसको व्यू कर देंगे, तो जितना भी उसके ऊपर फाइन होगा शो कर देगा आपको। देखिए अभी जैसे आप व्यू करेंगे तो आपके इकामे पे जितना भी फाइन होगा ये आपको यहाँ पे शो कर लेगा। देखिए यहाँ पे 100 रियाल का फाइन दिखा रहा है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे 100 रियाल का फाइन फिलहाल में शो कर रहा है, ठीक है। 100 रियाल का फाइन यहाँ पे शो कर रहा है, यानी इनके इकामे पर 100 रियाल का फाइन है। अब इसको आपका फाइन भरने के लिए आपको किसी के भी बैंक अकाउंट से, किसी के भी ATM से आप इसको फाइन भर सकते हैं। ये फाइन भरने के लिए आपको 1 महीने का टाइम दिया होता है। 1 महीने के अंदर अंदर आप ये फाइन नहीं भरेंगे
तो आप कहो 1 महीने के बाद 200 रियाल भरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए कि 1 महीने के अंदर अंदर ही जो भी ये फाइन आया है आपके ऊपर, इसको 1 महीने के अंदर अंदर ही भरने की कोशिश कीजिए। तो ये कुछ जानकारी थी, हमने कहा कि चलिए आपके साथ जरूर शेयर कर दें, ताकि बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अपसेर अकाउंट नहीं होता, तो सोचते हैं मैं किससे चेक करवाऊँ। तो अगर आपके पास अपसेर अकाउंट नहीं है तो किसी और के अपसेर अकाउंट से भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब फिलहाल के लिए बस इतना ही, कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। नहीं चेक कर पाते हैं आप, हमें अपना इकामा नंबर दीजिए, मैं अपना नंबर दे दूंगा, उस पर हमारा इकामा नंबर भेज, अपना इकामा नंबर भेजिए, मैं खुद आपका चेक करके बता दूंगा, ताकि आपको सब कुछ क्लियर पता चल जाए। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।